A tennis ball bounces down a flight of stairs, striking each step in turn and rebounding to the height of the step above. If the height of the step is d, the coefficient of restitution क्या होगा? बहुत ही बढ़िया सवाल है. मतलब जो आपका आंसर आ रहा है कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वो किसी भी चीज पे डिपेंड नहीं कर रहा है. और देखते हैं यहां पर आप एटलीस्ट ये वाली सिचुएशन देख सकते हैं. यहां से जब ये नीचे गिरा तो यहां इस यात्रा में इसने कितनी हाइट ट्रेवल की? पॉइंट ए बी सी. यही तो हुआ. अगर इसका एक कोलिजन समझा जाए तो यही वाला जो रास्ता है वो सब कुछ समझा रहा है. यानी कि 2D हाइट पे थी और गिरने के बाद D ही हाइट तक पहुंच पाई. 2D हाइट पे थी, गिरने के बाद केवल D हाइट तक पहुंच पाई. तो इस पूरी सिचुएशन को हम लोग ऐसे बना लेते हैं, मतलब थोड़ा सा सिंपलिस्टिक. दिस इज 2D एंड दिस इज D. दिस पॉइंट इज A, B, C. तो जब B पे टकराने वाली होगी तो इनिशियल वेलोसिटी U होगी. टकराने के बाद थोड़ा लॉस इन वेलोसिटी रहा होगा, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी की वजह से, तो फाइनल वेलोसिटी V रहेगी. U और V का रेशियो ही होता है कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन. E इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय इनिशियल वेलोसिटी. और इलास्टिक इन इलास्टिक कोलिजन में E लेस देन 1 होता है. जब इलास्टिक कोलिजन होता है तो U और V बराबर हो जाते हैं, तो E इज इक्वल टू 1 हो जाता है. तो अभी जिस तरह की सिचुएशन बनाई गई है तो हर टक्कर के बाद ग्रेविटी उसकी मदद कर रही है, जिसकी वजह से ये पैटर्न रिपीट होता जा रहा है. ओके, हमें सिर्फ एक टक्कर में देखना है. तो यहां से लेके यहां तक लॉ ऑफ कंजर्वेशन, ए से बी तक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अगर लगाया जाए, उस केस में क्या हो जाएगा? एमजीडी, एमजीएच की जगह एमजीडी लगाएंगे, इज इक्वल टू हाफ एम यू स्क्वायर. फिर हम लोग बी से सी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे, तब क्या हो जाएगा? हाफ एम वी स्क्वायर. पॉइंट बी पे हाफ एम वी स्क्वायर होगी और ये सी तक ही उछल पा रही है, तो ये एम जी टू डी की जगह डी हो जाएगी. ठीक है, तो यू अपनी ज्यादा आएगी और वी कम आएगी, ऐसा होना चाहिए. एम और एम कैंसल हो गया. यू स्क्वायर इज 2 × 4 फोर जी डी. तो U is equal to under root 4GD. और यहां पे अगर हम लोग देखें तो फिर M और M कैंसल हो जाएंगे. V square is equal to 2GD. यानी V is equal to under root 2GD. अब हमें E निकालना है. अब यहां से आपको आंसर दिख ही रहा होगा, काफी बच्चे आंसर जान चुके हैं. अब E is equal to V by U, यानी कि अंडर रूट 2GD डिवाइडेड बाय अंडर रूट 4GD. तो GD GD तो कट जाएगा. E क्या बचा? रूट 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 4. अंडर रूट 4 क्या होता है? 2 होता है. तो E इज इक्वल टू 1 बाय रूट 2. आगे अपना कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 2.